नमस्कार दोस्तों, इस YouTube पे सबसे ज्यादा अगर किसी टॉपिक को सर्च किया गया है तो वो है हाउ टू किस, यानी चुम्मा कैसे ले। मैं ये सोच के हैरान हूँ कि दुनिया में टॉपिक की कमी नहीं है, फिर भी लोग इस किस के बारे में इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं? ये समझने के लिए मैंने इस विषय पर स्टडी करना शुरू किया। लगभग 100 सालों के गहन अध्ययन के बाद मैं इसे समझ पाया और आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 टिप्स बताऊंगा। नंबर 1, किस करने से पहले ये जानना जरूरी है कि सामने वाला भी किस करना चाहता है या नहीं। मैं नहीं चाहता कि बात बिगड़ जाए। अगर सामने वाला गुस्सा में हो तो किस आपके लिए जहर है और गिफ्ट चॉकलेट अमृत है। कहीं ऐसा न हो किस लेने के देने पर जाए, तब आप गिफ्ट या चॉकलेट देकर पहले अपने पार्टनर को मनाइए। अगर आपके पास गिफ्ट के लिए भी पैसे नहीं है तो रिस्क लीजिए, मतलब रिस्क है तो इश्क है। और हाँ, डर के आगे जीत भी है, क्योंकि प्यार भरा किस सामने वाले पार्टनर को ये एहसास कराता है कि वो आपके लिए बहुत खास है, आप उसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए किस कर रहे हैं। नंबर 2, अगर किस करने का मन हो गया है, जो कि आमतौर पर हम लोगों का कभी भी हो ही जाता है, तो ऐसे में सबसे पहले ये ध्यान दें कि आपके एक नहीं बल्कि दोनों होंठ मुलायम, ऊपर का भी मुलायम हो और नीचे का भी मुलायम। ऊपर नीचे वाला मतलब मैं होठ के ही बारे में बात कर रहा हूँ दोस्त, क्योंकि अगर आपके होठ ड्राई फ्रूट की तरह हैं तो किस करने के मजे में रूखापन भी शामिल रहेगा। इसलिए आप अपने होठों को ज्यादा सॉफ्ट यानी मुलायम बनाने के लिए आप लोग अपना क्रीम अपने होठों पर सोने से पहले जरूर लगाएं, जैसे कोई लिप बाम, सॉफ्टनेस क्रीम एक्सेट्रा, क्योंकि प्यार भरा किस सामने वाले पार्टनर को यह एहसास कराता है कि वो आपके लिए बहुत खास है, आप उससे बहुत प्यार करते हो ना, इसलिए किस कर रहे। नंबर 3, देखो बात भी बन गई है, मन भी हो गया और होठ भी मुलायम ही है, तो तुरंत में किस शुरू मत कर दूं। एक्चुअली किस करने में कभी भी जल्दबाजी ना करें, मेरी तरह, नहीं तो मामला यहाँ भी गड़बड़ हो सकता है। किस करने से पहले अपने पार्टनर के फेस को नेक के पास, ईयर के पास हल्के हल्के अपनी उंगलियों को फेरिए, उनको अपने इमोशंस के साथ जोड़िए, उनको भी किस करने के लिए इमोशनली चार्ज होने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। इसी दौरान रह रह के बार बार उनकी आंखों में उनके होठों को भी देखिए, लेकिन प्यार से, हवस से नहीं, उतावला बिल्कुल ना होए। किस बस आपको ही करने को मिलेगा, किसी और को नहीं, वो बस आपके लिए ही आए। खुद को ऐसे पेश करें जैसे आप फिजिकली और मेंटली बस उस लम्हे में उनके ही साथ हो, क्योंकि प्यार भरा किस सामने वाले पार्टनर को यह एहसास कराता है कि वो आपके लिए बहुत खास है, आप उससे बहुत प्यार करते हो ना, इसलिए किस कर रहे। नंबर 4, अब आप दोनों किस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हेलो देसी बॉयज, कोशिश करें कि किस की पहल आपसे ही हो, इससे आपकी पार्टनर खुद को ज्यादा इजी फील करेगी। सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को उनके दोनों गालों पर हल्का सा रखते हैं, एक बार अपने होठों से उनके होठों पे लाइटली इंस्टेंट किस कीजिए और अपने पार्टनर को देखिए, उनको फील कीजिए। इस बार आपके पार्टनर खुद भी अपने आप को इसके लिए एग्री होते हुए आपकी ओर होठों को करेगी और आप किस की एक बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं। और हाँ, अपने लार पर भी काबू रखें, ऐसा ना हो कि आपके मुंह में लार आते रहे और आप अपने पार्टनर के मुंह में ही वो छोड़ दो। अगर आपको ज़्यादा लार आ रही है तो थोड़ा ब्रेक लें और फिर से शुरू करें, क्योंकि प्यार भरा किस सामने वाले पार्टनर को यह एहसास कराता है कि वो आपके लिए बहुत खास है, आप उससे बहुत प्यार करते हो ना, इसलिए किस कर रहे। नंबर 5, सब कुछ बेहतर चल रहा है तो आप लिप लॉक के लिए खुद को और उनको फील दीजिए। इसमें आप अपने पार्टनर के निचले होठ को अपने निचले होठ से स्थिर करें और अपने ऊपर के होठ को हल्का सा उनके मुंह के अंदर की तरफ ले जाएं और इनको लॉक कर दीजिए। बस हल्का हल्का लिप टू लिप रब करते हुए किस करते रहिए। इस दौरान आप अपने लिप से पार्टनर के लिप को ज़्यादा जोर से न रगड़ें, स्मूथली स्लिपरी रब करें, क्योंकि प्यार भरा किस सामने वाले पार्टनर को यह एहसास कराता है कि वो आपके लिए बहुत खास है, आप उससे बहुत प्यार करते हो ना, इसलिए किस कर रहे। नंबर 6, किस करने के दौरान हाथों का प्रयोग भी बेहद जरूरी है। कभी कभी अपने हाथों की उंगलियों को अपने पार्टनर की उंगलियों में उलझाएं, उनकी आंखों में देखते हुए अपने प्यार को अपनी उंगलियों की पकड़ से जताएं। कभी कभी उनके कोमल होठों पे अपनी उंगलियों को फिराते हुए उनको फील करवाइए कि वो आपके लिए बेहद खास है, आप दोनों रोमांस का पूरा मोमेंट क्रिएट करें।
किस करने के दौरान मेल पार्टनर आप अपने एक हाथ को अपने पार्टनर के शोल्डर या नेक पर रखें और दूसरे हाथ को उनके कमर पर रखते हुए उनको अपनी ओर बहुत हल्का सा खींचे। वहीं फीमेल पार्टनर आप भी एक हाथ को अपने पार्टनर के शोल्डर पर रखें और दूसरे हाथ को उनके सिर के पीछे रखते हुए अपनी ओर हल्के से ऐसे खींचे कि उनको ये लगे कि आप भी फील कर रही हैं और आप ऐसा चाहती हैं। लिप टू लिप किस करने के दौरान आप एक दूसरे के लिप को हल्के से फील लेते हुए ऐसे चूसे जैसे बचपन में आप लॉलीपॉप चूसते थे, क्योंकि आप उसे बहुत प्यार करते हो ना, इसलिए किस करें। नंबर 7, कई बार ये देखा गया है कि लोग किस करने में इतना खो जाते हैं कि सांस लेना भी भूल जाते हैं और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। एक सर्वे के अनुसार पूरी दुनिया में किस करते हुए लोग आधा आधा मर रहे हैं, मतलब वो किस फोबिया का शिकार हो गए हैं। इस तरह की मानसिक बीमारी में लोगों को ये लगता है कि अगर वो किस करेंगे तो दम घुटने से उनकी मौत हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, अपनी जान के लिए अपनी जान दो और किसिंग के दौरान सांस लेने में तकलीफ होने लगे यानी दम घुटने लगे तो थोड़ा रुक जाएं और एक बार पूरी गहरी सांस लें, थोड़ा सा स्थिर रहें और नीचे बैठ जाएं, आंखें बंद करें, अनुलोम विलोम के साथ कपालभाति करके अपने शरीर में हुए ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सकते हैं और नई ताजगी के साथ आप फिर से किसकी शुरुआत करें, क्योंकि प्यार भरा किस सामने वाले पार्टनर को ये एहसास कराता है कि वो आपके लिए बहुत खास है, आप उससे बहुत प्यार करते हो ना, इसलिए किस करें। नंबर 8, सामने वाले साथी को आप गजब का एहसास देना चाहते हैं तो आप केवल एक ही तरह की किस पर फोकस नहीं करें और ना ही बस होठों पर किस करते हैं, अलग अलग जगहों पर जैसे माथे पर, आंखों पर, गालों पर, गर्दन पर। इस तरह शुरुआती दौर में जब वो आपके साथ किस करने में बिल्कुल इजी हो जाए तो आप उनके साथ धीरे से और जोर से किस के अलावा हर तरह के किस को आजमाएं, जैसे खड़े खड़े किस करना, बैठे बैठे किस करना, अपनी गोद में बैठा के किस करना, आप खड़े हैं और अपने फीमेल पार्टनर को गोद में लिफ्ट करके किस करना, हर पोजीशन के बाद थोड़ी देर रुके फिर से किस करें, कोई भी पोजीशन या किस को बहुत ही लंबे समय तक लगातार ना करें, इससे बोरियत का माहौल बन सकता है। अपने साथी को समझते हुए एक्शन करें, इससे सामने वाले साथी को बेहद अच्छा लगेगा, क्योंकि प्यार भरा किस सामने वाले पार्टनर को ये एहसास कराता है कि वो आपके लिए बहुत खास है, आप उससे बहुत प्यार करते हो ना, इसलिए किस करें। नंबर 9, जब आप किस कर रहे हो और आप अपने पार्टनर को इतना जोश मिलाना चाहते हैं कि तूफान आ जाए, तो डूड आप हल्के से अपने पार्टनर के नेक पे या लिप पे हल्का सा प्यार से बाइट कीजिए, लेकिन बाइट भी इतना ही जोर से करें कि उन्हें दर्द ना हो, नहीं तो ज्यादा तेज बाइट होने पे उनके होठों से खून भी निकल सकता है। याद रहे, आप इंसान हैं, वैम्पायर नहीं। और हाँ, ये तरीका बार बार ना दोहराएं, नहीं तो आपके पार्टनर परेशान हो सकते हैं। इसलिए हर मोमेंट को प्यार से फील करते हुए स्पेंड करें। आप दोनों एक दूसरे को ये एहसास दिलाएं कि आपकी जिंदगी में वो बहुत खास है, वो आपकी दुनिया है और आपका फर्स्ट किस हमेशा के लिए यादगार बन जाए। आप बाद में भी कभी इस मोमेंट को याद करें तो हर मोमेंट आपको अंदर से रोमांचित कर दे। इस मोमेंट को आप जब कभी याद करो तो आपके प्यारे से फेस पे एक हल्की सी मुस्कान आ जाए, क्योंकि प्यार भरा किस सामने वाले पार्टनर को ये एहसास कराता है कि आप उससे बहुत प्यार करते हो ना, इसलिए किस कर दे। नंबर 10, ये कोई टिप्स नहीं है दोस्तों, बस इतना कहूँगा कि ये सब चोचले उनके लिए है जिनको छुप छुप के मिलने की जरूरत नहीं पड़ती, जो आसानी से और आराम से अपने पार्टनर से मिल पाते हैं उनके लिए तो ये 9 टिप्स हैं ही जो कि चुंबन विशेषज्ञों द्वारा बताया गया है, क्योंकि ये सब तो आराम का मामला है। लेकिन अगर आप छुप छुप के मिलते हैं तो यारों, आप अपने आसपास के माहौल को ध्यान में रखते हुए दुनिया की सबसे जरूरी इस कार्य को अंजाम दें। अगर कुछ सेकेंड का ही मौका मिल पाता है तो आप देख लो कि उतने समय में ही आप 30 मार खां बन पाओगे या मुकद्दर का सिकंदर। इतना भी टाइम ना मिले तो यार अपने पार्टनर के होठों का फोटो जरूर खींच लेना, ताकि आधी रात को भी अकेले में उनके लवली और सॉफ्ट लिप्स को सोचकर या देखकर आपके गिर जाए मुंह से लार और आपके मुंह लार से भर जाए। जिस तरह ज्यादा खून निकलने से लहू लुहान हो जाता है, इसी तरह ज्यादा लार से आप लरु लुहान हो जाओ। लेकिन एक बार आप हमेशा याद रखना मेरे यारों, जो इस सीरीज का सबसे हॉट लाइन, कि प्यार भरा के सामने वाले पार्टनर को ये एहसास कराता है कि वो आपके लिए बहुत खास है, आप उससे बहुत प्यार करते हो ना, इसलिए किस कर रहे हो। खैर, ये सब तो मनोरंजन के लिए था गाइस।
हाउ टू किस सबसे ज्यादा सर्चेबल टॉपिक है, ये सोच के मैंने भी वीडियो बना दिया। और मैं जानता हूँ ये वीडियो सीरीज कुछ बहुत बेहतर नॉलेज की बातें नहीं है, लेकिन इस सीरीज के अलावा हमारे आज तक फैक्ट्स साइंस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है। उन वीडियो को देख के आप किसी चीज के होने और ना होने के कारण को समझ पाएंगे। इसलिए आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे विजिट जरूर करें और अपना विचार और सवाल कमेंट करके जरूर बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ओके गाइस, टेक केयर, बाय।